पर गॉडलाइक स्क्वाड की बात करें, तीन प्लेयर आपको यहां पे दिखाई जरूर दे रहे, बट ये तीन प्लेयर ही काफी है पूरी लॉबी डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट लेब्रॉन की बात करें, उन्होंने यहां पे जाते-जाते ईवो को जरूर डाउन किया। एक आखिरी प्लेयर इस वक्त सरवाइव करेगा, वैक्सी वहां पे सरवाइव करे, पंग मुझे लगता है उन्होंने स्पॉट करा। चारों प्लेयर ईस्पोर्ट्स एक्स जो कि आपको जिंदा दिखाई देंगे। सात फिनिशर्स उन्होंने निकाल जरूर रखे, बट ईवो आराम से रिवाइव कर दिया जाएगा, मुश्किलें नहीं होने वाली। पांच फिनिशर्स ओआर के पास आपको देखने को मिलेंगे। यूडॉक की बात करें, उनके भी आपको दो प्लेयर यहां पे सरवाइव करते हुए दिखाई देंगे। हाइड्रा एक प्लेयर के साथ, एमएम की बात करें, उनके भी एक प्लेयर आपको दिखाई देंगे। ओआर के भी दो प्लेयर हैं। गॉडलाइक की बात करें, तीन टीम एक्सो टोटल चार प्लेयर के साथ है, और किस तरीके से जोन उनके पास आपको देखने को मिलेगा। बट जोनाथन ये कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वहां से निकलने की कोशिश की जा रही है। बट पाप के लोग की बात करें, इसी बीच खत्म हो गए लेब्रॉन, वो भी खत्म हो गए, बचे मात्र चार टीम है, ग्यारह प्लेयर वहां पे। पंक को स्पॉट किया गया था। ज़िगोट की बात करें, बहुत हाई रेंज एडवांटेज पे उनके पास, और पंक को उन्होंने स्पॉट किया था, बट एक अच्छा ग्रेनेड जाता है फियर्स का, आज इन्होंने तबाही मचा रखी। छह टोटल फिनिशर्स एक्सो नौ के साथ मैच में आगे बढ़ते हुए। मात्र दो टीम्स बची हुई हैं, टीम गॉडलाइक एंड टीम एक्सो। ज़िगोट ऑलरेडी डाउन है, जोनाथन यहां पर क्रूजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जोनाथन प्ले चाहिए होगा अगर यहां पर गॉडलाइक को जीता, क्योंकि दो प्लेयर बचे हुए हैं। क्लच गॉड ऊपर की तरफ है, जोनाथन लेफ्ट हैंड साइड से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मॉली जरूर गया है, यहां पर डैमेज कर सकता है। पंक की हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी, अभी के लिए हीलअप कर लेंगे। मॉडल को स्पॉट किया गया, बट फाइनली वहां पर जो रिचार्ज है वो टीम एक्सो की तरफ से भी आता है, जो रिटेलिएशन है वो उनकी तरफ से भी आता है। जोनाथन ने हेल्थ यहां पर फियर्स की बहुत ज्यादा डाउन कर दी है, बट फियर्स आज इनका लक और इनका प्ले दोनों बहुत ज्यादा बेहतरीन। काफी कम मैच में सर्वाइव किया, अभी के लिए हीलअप कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड से फ्लैंक करके आते हैं, ये फ्लैंक एंगल जोनाथन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी नहीं, फ्लैंक एंगल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट अभी के लिए बेहतरीन मूवमेंट्स वहां पर दिखाई, अभी के लिए बच चुके हैं। बट जोनाथन को फिर से स्पॉट किया गया, चारों तरफ से यहां पर घेर के जोनाथन हो चुके हैं डाउन। क्लच गॉड अगले प्लेयर बचे हुए हैं, बट क्या टीम यहां पर जीतेगी? क्लच गॉड को भी आई थिंक यहां पर डाउन कर दिया। गॉडलाइक का आखिरी प्लेयर 4v1 का सिचुएशन बन चुका है। टीम एक्सो आखिरी प्लेयर को खोजने की पूरी कोशिश करते हुए ज़िगोट को रिवाइव दिया गया था, फियर्स को यहां पर डाउन कर दिया गया है। ज़िगोट की हेल्थ बहुत ज्यादा कम, कुछ ही समय पहले हमें बिना विनर चिकन डिनर देखने को मिल सकता था, बट अभी भी बचे हुए हैं। ज़िगोट 1v3 के सिचुएशन में फियर्स को क्या रिवाइव मिल जाएगा? क्या 1v4 होने वाला है? मुझे लग रहा है एक्सो जाने वाली है, एंड मे बी ज़िगोट को यहां पर खत्म करेगी। बट आप देखिए कि क्या बढ़िया दिमाग उन्होंने लगाया, उनको पता था वहां पे ग्रेनेड्स एंड बाकी सारी चीजें आने जरूर वाली, बट ज़िगोट और कितना ज्यादा ऊपर आप जाने वाले हैं जिस तरीके से यहां पे खेल रहे, देखते हैं एक्सो क्या उनको पकड़ सकती है या फिर नहीं। पूरी तरीके से ऊपर एकदम शांत बैठे हुए आपको वो दिखाई देंगे। सेंसे नीचे साइड पे चारों प्लेयर यहां पे सर्वाइव करेंगे ईस्पोर्ट्स एक्सो के। क्या यहां पे 1v4 क्लच आने वाला है या फिर कुछ और फनी सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है? सेंसे, इमॉर्टल, फियर्स, पंक सारे इंतजार कर रहे हैं, उनको पता है प्लेयर कहां पे मौजूद है, उन्होंने देखा है ज़िगोट इस वक्त कहां पे मौजूद रहने वाले। क्या वहां पे ज़िगोट नीचे जाने की एक बार के लिए कोशिश करें, क्योंकि जोनाथन वो तो यहां पे डाउन पड़े हुए। सेंसे की बात करें, वो कुछ ऐसे रैंडम शॉट्स लेते हुए जरूर दिखाई जाएंगे, बट जोनाथन को यहाँ पे फाइनली खत्म किया गया। ज़िगोट देखते जाते जाते एक प्लेयर को डाउन कर सकते हैं, फिर बड़ी मॉडल की बात करी जाए वो वहां पे थे मौजूद जरूर। बट पंक मुझे लगता है स्पॉट किया गया, बड़ी मॉडल की बात करें उनको यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज दिया गया, बट नॉक नहीं कर पाए। पंक नीचे के साइड पे मौजूद है, डैमेज बहुत ज्यादा। सब सारे के सारे प्लेयर इंतजार कर रहे हैं कि ज़िगोट कब पीक करेंगे, और इसी के साथ उनको खत्म किया जाएगा। फिर शायद वो देख सकते हैं ज़िगोट को आज के दिन पे, उनका बोलबाला हमें दिखाई दिया। छह टोटल फिनिशर्स उनके पास है, ज़िगोट अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, बट फियर्स उनको पता जरूर चलेगा कि ऊपर किस तरीके से चढ़ा है। वहां पे थोड़े से बैंडेजेस भी फेंके जा रहे हैं, बट सेंस आए आखिरी प्लेयर ज़िगोट जो बचे हुए थे उनको खत्म करेंगे। इसी के साथ ईस्पोर्ट्स एक्सो टीम एक्सो की जो स्क्वाड थी, एक बेहतरीन प्रदर्शन जो पिछले मैच में हमें देखने को नहीं मिला था, बट फिर भी